नमस्कार दोस्तों, आरबीआई असिस्टेंट मेंस का रिजल्ट आज आउट हो चुका है। तो सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगा जिन्होंने आरबीआई असिस्टेंट मेंस क्लियर कर लिया है, क्योंकि आरबीआई का पेपर क्लियर करना अपने आप में एक बहुत बड़े गर्व की बात होती है, उस परिवार के लिए भी और उस बच्चे के लिए भी जिसने क्लियर किया है। लेकिन जिन बच्चों का आरबीआई असिस्टेंट मेंस क्लियर नहीं हुआ है, उनको मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आरबीआई का मेंस देना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए आप बिल्कुल भी निराश नहीं हो। अभी आईबीपीएस आरआरबी का नोटिफिकेशन आ चुका है, आईबीपीएस पीओ क्लर्क के नोटिफिकेशन आने वाले हैं, एसओ का नोटिफिकेशन आने वाला है, काफ़ी सारे नोटिफिकेशन अगले 6 महीने में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप आरबीआई के मेंस तक पहुंचे हो, इस चीज़ की खुशी मनाओ, बिल्कुल भी निराश ना हो। मैं जानता हूँ कई बार फेलियर को खुद को मनाना काफ़ी डिफिकल्ट पड़ता है एक स्टूडेंट के लिए, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं यार, आपका नहीं हुआ, लेकिन अब जो पेपर आ रहे हैं उसके अंदर वो जो आपने आरबीआई में तैयारी करी है वो डेफिनेटली आपको काम आएगी। क्योंकि मैं ऐसे काफ़ी सारे बच्चों को जानता हूँ जो आरबीआई के मेंस तक पहुँच के क्लियर भले ही नहीं हो पाते, लेकिन जब मेरी उनसे बात होती है तो वो ये कहते हैं कि सर, आरबीआई देने से जो हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ है उसी वजह से हम दूसरा पेपर क्लियर कर पाए। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन बच्चों का क्लियर हो गया है या जो बच्चे अभी आरबीआई असिस्टेंट के बारे में सोच रहे हैं या जिन्होंने अगले साल के लिए या जब भी उसका नोटिफिकेशन आएगा उसकी तैयारी स्टार्ट कर दी है, तो एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। तो अगर आप उसी स्टेट के हैं, मान लो कोई राजस्थान का है और उसने राजस्थान से आरबीआई असिस्टेंट दिया है, तो भी उसको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट तो देना ही पड़ेगा, भले ही उसने वहाँ की लोकल लैंग्वेज स्कूल में या कहीं भी पढ़ी हो। लेकिन उसको इतना घबराने की जरूरत नहीं है, वो आसानी से वो पेपर क्लियर कर सकता है। ये मैं जो मेरे मिलने वाले हैं आरबीआई असिस्टेंट में, उन्होंने बताया कि अगर आप उसी स्टेट से हो तब तो आपका वो पेपर आसानी से क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप मान लो दूसरे स्टेट से हो, कोई लड़का राजस्थान का है, यूपी का है, बिहार का है, एमपी का है और उसने कर्नाटक से या महाराष्ट्र से पेपर दिया है, तो उसको एलपीटी के लिए पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ जिनका एलपीटी क्लियर नहीं हो पाता। पिछली बार एक मेरी मिलने वाली लड़की थी, वो एमपी की थी और उसने कर्नाटक से फॉर्म भरा, लेकिन उसका कर्नाटक का एलपीटी क्लियर नहीं हो पाया था। क्योंकि एलपीटी क्लियर करना उसका कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं है, वो पहले से आरबीआई नहीं बताता है, हर सर्कल का अलग अलग हो सकता है। हो सकता है राजस्थान के एलपीटी में कुछ और पूछा जाए, कर्नाटक के एलपीटी में मेरे को उससे जो पता पड़ा था कि पिछली बार उन्होंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा था, तो इसलिए इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है कि ये पूछा जाएगा और आपको ये तैयारी करके जानी। आपको लैंग्वेज अच्छे से स्टडी करके तैयार करनी पड़ेगी अगर आपने दूसरे स्टेट से पेपर दिया है। तो इसलिए अगर जिनका क्लियर हो चुका है तो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, क्योंकि आरबीआई का एलपीटी थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्लियर करना अगर आपकी वो लोकल लैंग्वेज नहीं रही है, तो इसलिए उसकी तैयारी थोड़ा अच्छे से करें। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि इस बार आरबीआई ने 2 गुना बच्चों को पास किया है। जैसे मान लो 100 वैकेंसी है तो एलपीटी के लिए 200 लोगों को क्वालिफाई किया है, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ। पिछली बार उन्होंने 1.5 गुना लोगों को पास किया था, तो ये एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर आरबीआई के बारे में कुछ भी जानकारी आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जो आरबीआई ग्रेड बी और सेबी नाबार्ड वगैरह की जो तैयारी करते हैं, तो उनका एक कूपन कोड भी हमने नीचे शेयर किया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ जाके आप 5% डिस्काउंट के साथ हमारे चैनल से कूपन कोड के जरिए बुक्स परचेज कर सकते हैं। तो इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।